हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद एनके प्रजापत। हमारा जो लेसन कंटिन्यू चल रहा था अ रूम 10x8, उसमें हमने पार्ट वन किया था। आज हम इस वीडियो में इस लेसन का पार्ट टू शुरू करने जा रहे हैं। तो हमने अब तक ये पढ़ लिया था कि मिसेज मलिक ने दिल्ली में अपना नया मकान बनवा लिया, लेकिन सरकार ने उनके घर को अधिग्रहित कर लिया, एक्वायर कर लिया, तो वे अपने नए घर में रह नहीं पाए। और कई सालों बाद जब वे वापस दिल्ली में ट्रांसफ़र हुआ उनका, उसके पति का, मिस्टर मलिक का, तो उस समय तक श्रीमती मलिक की सास जो है वो गुजर गई, बेटी की शादी हो गई, और इसी बीच मिस्टर मलिक भी सरकार से अपना घर छुड़वाने के कार्य में इस बीच वो भी गुजर गए, यहाँ तक कि वो अपने घर में रह नहीं, एक दिन भी नहीं रह सके। अब हम आगे पढ़ते हैं। नाउ विद इन 3 मंथ्स द हाउस वॉज डी रिक्विशन। अब 3 महीनों के अंदर अंदर घर को डी रिक्विशन का मतलब होता है खाली कर देना, यानी सरकार ने खाली कर दिया। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज कीनर। श्रीमती मलिक की जो पुत्रवधु थी वो उत्सुक थी, ज़्यादा उत्सुक थी देन मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक से ज़्यादा उत्सुक थी टू सिप, जाने के लिए टू हर न्यू हाउस, अपने नए घर में। द मोमेंट दे वर रेस्टोर्ड पजेशन, और वह क्षण जब वे रेस्टोर्ड पजेशन का मतलब होता है फिर से स्वामी बनना ऑफ द हाउस, घर के। सी हैड इट पेंटेड, तो उस श्रीमती मलिक ने उस घर को पेंटेड, कलर करवाया, रंग करवाया, एंड पॉलिश्ड, और पॉलिश करवाई घर के दरवाजे इत्यादि की, एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, और अपने किराए के मकान से उस नए घर में शिफ्टिंग होने का, जाने का शुरू कर देते हैं, यानी उधर जाना, सामान रखना शुरू कर देते हैं। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर, और फर्नीचर बनाने वाले को ऑर्डर दे दिया गया टू सप्लाई अ नंबर ऑफ पीसेज विच ही डिड। सप्लाई करना मतलब आपूर्ति करने के लिए, यानी फर्नीचर वाले को कह दिया, ऑर्डर दे दिया कि वो सप्लाई कर दो नंबर ऑफ पीसेज, लकड़ी के सामानों के जो सामान थे, विच ही डिड, जो उसने बना रखे थे वो सब मंगवा लिए श्रीमती मिस मलिक ने अपने घर में। They had to shift on Monday morning। उन्हें सोमवार की सुबह शिफ्ट होना था, अपने नए घर में जाना था। But as they woke up, लेकिन जब वे उठे, they found that it was raining। तो सोमवार को जब वे उठे तो देखा कि बरसात हो रही थी उस दिन। The downpour was rather heavy। मूसलाधार, downpour का मतलब क्या था, मूसलाधार जो वर्षा हो रही थी वो बल्कि और तेज, ज़्यादा हो रही थी, भारी हो रही थी। They waited and waited। उन्होंने इंतज़ार किया, इंतज़ार किया बरसात बंद होने का। देन इट वॉज टाइम फॉर मिसेज मलिक्स सन टू गो टू ऑफिस। फिर समय हो गया श्रीमती मलिक के बेटे का ऑफिस जाने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग। और ऐसा निर्णय लिया गया कि वे अपने नए घर में कब चले जाएंगे, सोमवार की शाम को चले जाएंगे। इट कंटिन्यूड टू रेन थ्रू आउट द डे, लेकिन पूरे दिन के दौरान बरसात निरंतर चलती रही। इट वॉज रेनिंग एज हेविली एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो, और बरसात हो रही थी इतनी भारी और उसी तरह से तेज बरसात शाम को भी हो रही थी। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि सोमवार उन लोगों के लिए शुभ दिन था। मिसेज मलिक वॉन्टेड टू सिप, श्रीमती मलिक उस नए घर में जाना चाहती थी, इफ दे कुड, अगर वे जा सके तो। यानी पीछे क्वेश्चन है कि वो कब गए, सोमवार को क्यों गए, क्योंकि उनके लिए वो शुभ दिन माना गया था, वो मानते थे सोमवार को शुभ दिन। तो श्रीमती मलिक ने कहा अगर हो सके तो हम आज सोमवार ही उस नए घर में जाएंगे। आउट ऑफ कंसिडरेशन, चिंता से मुक्त होकर, फॉर हिज मदर द सन डिसाइडेड, और चिंता के कारण अपनी माँ के लिए तो उसके बेटे ने निर्णय लिया टू शिफ्ट, इवन दो इट कंटिन्यू टू रेन हैविली, के भले ही
तेज वर्षा हो रही हो लगातार, लेकिन बेटे ने वहां जाने का निर्णय ले लिया। दे सेंड फॉर अ टैक्सी, फिर उन्होंने एक टैक्सी बुलवाई। सेंड फॉर यानी बुलवाना। इन एडिशन टू देयर ओन कार, स्वयं की कार के अतिरिक्त। एंड मेड अ फॉर्मल मूव, और वहां से औपचारिक रूप से अपने किराए के घर से रवाना हो गए। द रेस्ट ऑफ लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, और बचा हुआ जो भी सामान है वो बाद में शिफ्ट कर देंगे, यानी अभी जरूरत का सामान वो ले गए और जो भी जरूरी सामान होगा वो बाद में मंगवा लेंगे। इट वॉज रेनिंग इंसेंसली, बरसात निरंतर हो रही थी, बिना रुके हो रही थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, मिसेज मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज। कार की पीछे वाली सीट में बैठी बैठी श्रीमती मलिक अपनी यादों में खो गई। जब वे नए घर में जा रहे थे तो श्रीमती मलिक पीछे वाली सीट पर बैठी थी कार के, तो वो अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन बन रहा है, तो आप पूरा ध्यान रखें इस पैराग्राफ को। अब वो सोच रही हैं, व्हाट पेन सी हैड टेकन, कितना कष्ट उसने झेला था, सहन किया था। वाइल द हाउस वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, जब घर जो था उसका निर्माणाधीन था। ये हमने पढ़ा था कि किस तरह से उसने अपने नए घर के निर्माण में मेहनत की थी उस श्रीमती मलिक ने। द डेज वेद इन वेन सी मिस्ड हर मील, जब वो अपना भोजन भी करना भूल जाती थी। द डेज वेद इन सी स्टूड इन द स्कॉर्चिंग हीट, और वे दिन उसने याद किए जब वो खड़ी रहती थी तपा देने वाली गर्मी में। ऑफ द सन, सूर्य की। सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, और कार्य जो निरंतर चल रहा था उसका सुपरवाइज कर रही थी, निरीक्षण कर रही थी। द डेज वे दिन सी वॉज ड्रेंज्ड इन रेन, जब वो बरसात में भीग जाती थी। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड, और उस आर्किटेक्ट ने, वास्तुकार ने, हेड प्रिपेयर तैयार किया था अ स्केच, एक रूपरेखा ऑफ द हाउस, घर की, इन कलर, रंगीन। यानी घर का जो नक्शा बनाने वाला जो आर्किटेक्ट था ना, उसने घर का नक्शा जो है रंगीन बनाया था। द वे, और जिस तरीके से इट वुड लुक, वो नक्शा दिखाई देता था। वैन कम्प्लीटेड, जब पूरा हो जाए, यानी घर पूरा होने के बाद जैसा दिखना था वैसा ही उसने नक्शे में बना दिया। इट हैड द फिगर ऑफ अ लेडी, अब ध्यान रखें एक बड़ा मोड़ आएगा इस लेसन में। इट यानी उस नक्शे में एक महिला का फिगर था, आकृति थी। ऑफ द हाउस, घर की महिला का एक फिगर था। स्टैंडिंग ऑन द वरामदा, जो वरामदे में खड़ी थी। विथ हर बैक टुवार्ड्स द मार्बल पिलर, और उस महिला की जो कमर थी वो मार्बल के पिलर के सहारे थी। मतलब घर का नक्शा जब बनाया था ना आर्किटेक्ट ने, तो बरामदे में, घर के नक्शे के बरामदे में एक महिला को दिखाया है, उस महिला की आकृति दिखाई है जो एक खंबे के सहारा लेकर खड़ी है। एलिजेंट एंड ग्रेसफुल, आकर्षित, सुंदर महिला। एन इमेज ऑफ कंटेनमेंट, और वो एक संतुष्टि भरी आकृति थी, तस्वीर थी। क्लेड इन ए मैरून साड़ी, और उस महिला ने, यानी नक्शे में जो महिला है उसने मैरून रंग की साड़ी पहने हुए हैं, या मैरून रंग की साड़ी में लिपटी हुई है। मिसेज मलिक फेल्ट दैट, और श्रीमती मलिक ने महसूस किया कि द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, के इस वास्तुकार ने उसे ही पेंट किया है, उसका ही चित्र उस महिला के रूप में बनाया है, ये श्रीमती मलिक ने सोचा, ध्यान रखना। बट सी नेवर वॉर मैरून कलर्ड साड़ीज, लेकिन श्रीमती मलिक ने सोचा उसने तो कभी मैरून रंग की साड़ी पहनी ही नहीं। क्या है कि वो आर्किटेक्ट ने एक महिला का चित्र बनाया, उसमें जो महिला खड़ी है वो मैरून रंग की साड़ी में है, और मलिक ने, मिसेज मलिक ने सोचा कि वो मेरा फोटो है, मेरी तस्वीर है, लेकिन वो सोच रही है मैंने तो कभी मैरून रंग की साड़ी पहनी नहीं। मिसेज मलिक फेल्ट दैट, श्रीमती मलिक ने सोचा कि द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, ये लाइन हमने पढ़ ली। द फिगर इन द स्केच, उस रूपरेखा में जो फिगर थी, आकृति थी, हाउएवर, हालांकि, वॉज एज टाल एज मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक के समान उसकी लंबाई दिखती थी। रिक्लिनिंग अगेंस्ट द पिलर, जो एक खंबे के सहारे झुकी हुई थी। सी स्टूड द वे, और वो इस तरह से खड़ी थी मिसेज मलिक यूज टू स्टैंड, जैसे कि श्रीमती मलिक भी खड़े रहती थी अपने घर में दीवार के सहारे, उसी प्रकार से उस चित्र को भी बताया गया। मिसेज मलिक सा, श्रीमती मलिक ने देखा द फिगर इन द स्केच के जो रूपरेखा में जो आकृति है, वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल, और वो हमेशा उस फोटो को देखती थी
एंड जाकर जाती थी एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल, और घर में जाकर अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होती मैनी अ टाइम, कई बार, यानी आकृति में देखती वो फिगर देखती और घर में जाकर कांच के सामने खुद को भी देखती। सी थॉट दैट, और वो सोचती थी कि सी मस्ट सो दैट, कि वह दिखाएगी दैट स्केच, इस रूपरेखा को टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम, कभी आने वाले समय में, किसी समय में अपनी पुत्र वधु को वो नक्शा दिखाएगी जिसमें उसका चित्र बना हुआ, आकृति बनी हुई है। तो मिसेज मलिक सोचती हैं कि जो घर के रूपरेखा में जो आर्किटेक्ट ने एक महिला का चित्र बनाया है वो उसका ही है। सब बातें मिलती है, केवल एक बात नहीं मिलती है कि मैरून रंग की साड़ी में वो चित्र हैं, आकृति हैं, और मैरून रंग की साड़ी तो कभी मिसेज मलिक ने पहनी नहीं। हर डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट, उसकी पुत्र वधु कार की सामने वाली यानी आगे वाली सीट में बैठी हुई जब वे नए घर में जा रहे थे विथ हर हस्बैंड, अपने पति के साथ। मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टुवार्ड्स हर, मूविंग मतलब हिला रही हैं, कर रही हैं, रियर व्यू ग्लास पीछे देखने वाले कांच को, ऑफ द कार, कार के टुवार्ड्स हर अपनी तरफ, जो कार के अंदर पीछे देखने वाला एक दर्पण होता है, कांच होता है, उसको उस पुत्र वधु ने अपने चेहरे की तरफ किया। एंड सी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स, और उसने अपने होठों को रीपेंटिंग यानी फिर से लिपस्टिक लगाना शुरू कर दिया। तो पीछे बैठी बैठी मिसेज मलिक क्या सोच रही है, वेयर वॉज द नीड, कहाँ जरूरत है टू पेंट द लिप्स, होठों पर लिपस्टिक लगाने की, वैन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस, जबकि वे खुद के ही तो घर जा रहे हैं, तो कहाँ पर मेकअप करने की जरूरत है। एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा दे वुड ईट, ज़्यादा से ज़्यादा वे जाकर घर में खाना खाएंगे, एंड देन गो टू स्लीप, और सो जाएंगे। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स, ये जो आजकल की लड़कियाँ हैं वो अजीब ही तरीके वाली होती हैं। एंड हाउ द गर्ल टॉक्ड, और ये देखो लड़की कैसे बात कर रही हैं, सी वॉज जबरिंग, वो बड़बड़ा रही हैं, इंसेंटली बिना रुके यानी लगातार बात कर रही हैं आगे बैठी बैठी। Why must she talk with her own husband in English? और ये मेरी पुत्र वधु हैं अपने ही पति से इंग्लिश में क्यों बात करती हैं? तो यहाँ पर एक और चीज़ नोट करने को मिलती है कि मिसेज मलिक का जो बर्ताव जो था अपनी पुत्र वधु की तरफ भी अच्छा नहीं था, यानी अपनी पुत्र वधु की कुछ बातें उसे पसंद नहीं थी, बार बार मेकअप करना, इंग्लिश में बात करना, एटसेट्रा। मिसेज मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, मिसेज मलिक ने अंग्रेजी नहीं सीखी थी, पिक्ड अप यानी सीखना। सी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, वह केवल इसमें ही असफल रह गई, केवल अंग्रेजी सीखने में असफल रह गई। सी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, और बाकी वो प्रत्येक अन्य चीज अपने जीवन में उसने पूरा किया सिवाय इंग्लिश सीखने की। सी लर्न्ड बॉल रूम डांसिंग, और यहाँ तक कि उसने पार्टी में किया जाने वाला नृत्य भी सीखा था, इंग्लिश डांस भी सीखा था। सडनली इट अकर टू मिसेज मलिक दैट, अचानक मिसेज मलिक को मन में विचार आया, दैट मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट, के उस वास्तुकार ने जो घर के नक्शे में जो आकृति बनाई थी, वॉज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ, क्या वो उसकी पुत्र वधु की है क्या? अचानक उसे विचार आ गया, हाउ कुड दैट बी, ऐसा कैसे हो सकता है। सी वॉज नो वेयर ऑन द सीन, वो तो उस समय दृश्य पर कहीं नहीं थी, उस समय आई नहीं थी। वेन द प्लान ऑफ हाउस वॉज प्रिपेयर, जब घर का जो नक्शा था वो तैयार किया गया था, उस समय तो वो थी नहीं। बट देन, लेकिन फिर सी वॉज वियरिंग अ मैरून कलर्ड साड़ी, और फिर वह मैरून कलर की साड़ी भी पहने हुई थी, दैट द फिगर इन द स्केच हेड, जैसा कि उस स्केच में आकृति वाली महिला के भी पहनी हुई मैरून रंग की साड़ी है, वैसी उस पुत्र वधु ने पहनी हुई थी। यस इट वॉज मैरून कलर, हाँ वो मैरून कलर की साड़ी थी। मिसेज मलिक नेवर लाइक मैरून कलर, श्रीमती मलिक को तो कभी भी मैरून कलर पसंद नहीं आया अपने जीवन में। इट वॉज टू लाउड, मिसेज मलिक नेवर लाइक मैरून कलर, श्रीमती मलिक को कभी भी मैरून रंग पसंद नहीं आया अपने जीवन में। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, और ये कलर उसकी रुचि के अनुरूप नहीं था, यानी उसकी रुचि उसको रुचि नहीं थी ऐसे रंग में। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ, ये तो आजकल की लड़कियां हैं उसकी पुत्र वधु के समान, हु वर फॉन्ड ऑफ मैरून कलर,
जो मैरून रंग की शौकीन होती हैं। सी कैन वियर मैरून श्योरली, सेड मिसेज मलिक टू हरसेल्फ। श्रीमती मलिक अभी भी कार में बैठी बैठी अपनी आप से कह रही हैं कि वह खुद भी मैरून रंग की साड़ी पहन सकती थी। निश्चित रूप से आई विश कास सी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड। देखो बेटी बेटी सोच रही हैं कि सी यानी उसकी पुत्रवधु भी उतना ही मेहनत करे जितनी उसने की थी, यानी कि मेरी पुत्रवधु भी उतना ही हार्डवर्क करे जितना मैंने किया था। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ हाउस लेड, मैंने अपने घर की प्रत्येक ईंट को रखवाया था बिफोर माई आइज, मेरे आंखों के सामने। इन सन एंड रेन, धूप में वर्षा में मैं खड़ी रहती थी। आई स्टूड ऑन द साइड, मैं निर्माण स्थल पर खड़ी रहती थी। सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य को देखती थी। फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट, सुबह जल्दी से लेकर रात देर तक। मैनी अ टाइम आई हेल्प द मेसन्स, और अनेक बार मैं कारीगरों की मदद करती थी। विथ मॉर्टर एंड ब्रिक्स, मिट्टी बजरी और ईट उनको देती थी। मैनी टाइम्स आई होल्ड अप द रबर पाइप, और अनेक बार मैं रबड़ का जो पाइप होता है पानी डालने का उसको खींचती थी। एंड स्पेयर वाटर, और पानी डालती थी। ऑन द प्लास्टर्ड वॉल, प्लास्टर की हुई दीवारों पर पानी का छिड़काव करती थी अनेक बार। देन दे रीच द हाउस, फिर वे घर पहुंच गए। ऐसे सोचते सोचते मिसेज मलिक और वहां पर अपने नए घर पहुंच गए हैं। हिज सन ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द पोर्च, और उसके बेटे ने कार सीधी जो है कहाँ पोर्च घर के बरामदे में ले गया। एंड हर डॉटर इन लॉ जम्प्ड आउट ऑफ इट, और उसकी पुत्रवधु गाड़ी रुकते ही गाड़ी से बाहर कूद कर निकली। एंड देयर सी स्टूड रिक्लाइनिंग, और वहाँ जाकर वो सहारा लेकर खड़ी हो गई। अगेंस्ट द मार्बल पिल्लर, उस मार्बल के पिल्लर के सहारे वो खड़ी हो गई। ऑन द बरामदा, बरामदे में। कुछ पता चल रहा है कहाँ से मिल रहा है? जैसा उस घर के नक्शे में था वैसा का वैसा दृश्य मिसेज मलिक के सामने आ रहा है कि जैसे ही घर पर पहुंचे वो पुत्रवधु उतरी और मार्बल के पिल्लर पर जाकर पिल्लर के पास जाकर सहारा लेकर खड़ी हो गई। एग्जैक्टली द वे, ठीक उसी तरीके से द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर, जैसा कि उस वास्तुकार ने उस आकृति को बनाया था। इन द स्केच, रूपरेखा में, घर की रूपरेखा में। मिसेज मलिक फेल्ट अ रेंच इन द हर्ट, और श्रीमती मलिक को अपने मन में थोड़ा सा दुख महसूस हुआ। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड एट हर, हो सकता है कि वास्तुकार ने उसकी तरफ उसे चिढ़ाया हो, यानी चित्र उसका बनाया हो लग रहा हो मिसेस मलिक का। स्टैंडिंग ऑन द बरामदा, बरामदे में खड़े होकर, क्लोज द पिलर, पिलर के बिल्कुल पास खड़ी थी उसकी पुत्रवधु। ट्राइंग टू कवर हर इलाबोरेट हेयरडो, और वो अपने इलाबोरेट यानी सुंदर हेयरडो बालों को ढकने का प्रयास कर रही थी। विथ मैरून कलर साड़ी, मैरून रंग की साड़ी पहने हुई थी उसकी पुत्रवधु, और अपने सिर को ढक रही थी। हर डॉटर इन लॉ वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शन, और उसकी पुत्रवधु खड़ी खड़ी वहाँ पर निर्देश दे रही थी टू द सर्वेंट्स, नौकरों को, अबाउट द लगेज, सामान के बारे में। इन द टैक्सी, जो टैक्सी में पड़ा हुआ था। फॉलोइंग द कार, जो पीछे पीछे कार आ रही थी ना, उस कार में जो सामान पड़ा था वो अंदर रखवा रही थी निर्देश देकर। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी, सामान को टैक्सी से हटा दिया गया। द टैक्सी ड्राइवर ड्रोव अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड, और टैक्सी ड्राइवर भी वापस गाड़ी लेकर चला गया जब उसे पेड कर दिया गया, मतलब किराया चुका दिया गया। मिसेज मलिक वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ द कार, श्रीमती मलिक अभी भी कार की पीछे वाली सीट पर बैठी थी। सी हैड स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, और उसके अंदर अभी भी विचित्र भावनाएं चल रही थी, विचार चल रहे थे, ऐसा कैसे हो गया? उस समय तो पुत्रवधु थी नहीं जब घर का नक्शा बना, और यह आज कैसे सामने आ रहा, सच जैसा कैसे लग रहा है? देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर्ड द हाउस, फिर उसका बेटा और पुत्रवधु जो थी वो घर के अंदर गए। दे पुट ऑन द लाइट्स, घर के अंदर जाते उन्होंने लाइट्स चालू की वन बाई वन, एक एक करके। एवरी रूम वॉज लिट अप, प्रत्येक कमरा जगमग हो गया, प्रकाशित हो गया। मिसेज मलिक लुक्ड एंड ऑन वाइड आईज, श्रीमती मलिक जो हैं वो खुली आंखों से, चौड़ी आंखों से देखने लगी। स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार, अभी भी कार के पीछे वाली सीट में बैठी थी, वो अंदर नहीं गई। इन द एक्साइटमेंट, उत्तेजना में, नोबडी सीम टू हैव रिमेम्बर्ड, किसी को भी याद नहीं रहा टू ओपन द डोर, दरवाजा खोलना, फॉर हर, श्रीमती मलिक के लिए। द वे इट वॉज डन, जिस तरीके से हमेशा हुआ करता था। क्या एक श्रीमती मलिक जब कार से उतरती थी
तो कोई भी उसके लिए दरवाज़ा खोलता था, लेकिन आज नए घर के अंदर जाने की उत्तेजना में श्रीमती मलिक के लिए किसी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला कार का। सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर। अचानक घर के अंदर उसके बेटे ने अपनी माँ के बारे में सोचा। फिर ही रैन टू द पोर्च। फिर वो घर के बाहर आया एंड ओपन द डोर ऑफ द कार। फिर कार का दरवाजा आकर उसने खोला। अ ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप। कि जब भी शाम को मैं ड्राइव करती हूँ, गाड़ी में यात्रा करती हूँ, तो हमेशा मुझे उस थकान के कारण नींद आने लग जाती है। कौन कहती है? द मदर स्पोक इन अ विस्पर। माँ धीरे धीरे बोली। हर डॉटर इन लॉ हैड ऑल्सो कम आउट। उसकी पुत्रवधु भी बाहर आई। एवरी वन वॉज लफिंग। प्रत्येक हंस रहा था। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज स्टैंडिंग। श्रीमती मलिक की पुत्रवधु खड़ी थी अगेंस्ट द मार्बल पिल्लर। उस मार्बल के पिल्लर के सहारा लेकर ऑन द वरामदा अगेन। फिर से आकर वो वहीं पर वरामदे में खड़ी हो गई पिल्लर का सहारा लेकर। सी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हेडो। और वो अपने बालों को ढकने का प्रयास कर रही थी विथ हर मैरून कलर साड़ी। मैरून कलर की साड़ी से। श्रीमती मलिक को तो बस यही मन में विचार आ रहा था, ये कैसे हो गया? जो नक्शे में बनी महिला जिस तरह से खड़ी थी, ये कैसे खड़ी हो रही है और मैरून रंग की साड़ी पहने हुए, और खड़े होने का स्टाइल भी वो भी है। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, आई हैव नो एपेटाइट, सेड मिसेज मलिक। अब श्रीमती मलिक ने अपने बेटे और पुत्रवधू को क्या कहा? मैं खाना नहीं खाने वाली हूँ, या मैं खाना नहीं खाऊंगी। आई हैव नो एपेटाइट, मुझे भूख नहीं है। आई वुड गो टू स्लीप, मुझे सोना है। द सर्वेंट्स हैड लेड डिनर ऑन द टेबल। और उधर नौकरों ने टेबल पर डिनर, शाम का खाना, रात का खाना लगा दिया था। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, सेड द डॉटर इन लॉ पॉइंटिंग टू द रूम। अब देखिए, पुत्रवधु ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए क्या कहा अपनी सास को, यानी मिसेज मलिक को क्या कहा? देन यू बेटर रिटायर, तो अच्छा होगा, बेहतर होगा कि आप चली जाइए टू योर रूम, अपने कमरे की तरफ। और किस कमरे की तरफ इशारा करते हुए? 10x8, उस 10x8 के कमरे की तरफ इशारा करते हुए। एंड हर सन कंडक्टेड, और उसका बेटा कंडक्टेड यानी दिखाने गया मिसेज मलिक को टू इट, वो कमरा दिखाने गया। होल्डिंग हर हैंड, अपनी माँ का हाथ पकड़कर। सी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्रोजी। अब उस श्रीमती मलिक को महसूस हो रहा था भयानक निंद्रा, उसे आ रही थी तेज नींद आ रही थी। और बेटा उसका हाथ पकड़ कर कहाँ ले जा रहा है? उस 10x8 के कमरे में। तो कैसे कहानी उल्टे उस पर आ रही है कि जिस कमरे का निर्माण मिसेज मलिक अपनी सास के लिए कर रही थी, और अपनी सास की मृत्यु के बारे में भी सोच रही थी कि सास की मृत्यु होने के बाद उस कमरे को भंडार गृह बना देंगे, तो आज वही कमरा उसके भाग्य में वापस आ गया। मिसेज मलिक शुक हर हेड अगेन। श्रीमती मलिक ने अपना सिर फिर से हिलाया। बट वॉट वॉज द रॉन्ग विथ इट, लेकिन इसमें गलती क्या है? हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन। और अपने आप में क्या सोच रही है कि उसका पति तो पहले से ही मर गया है। सी वुड फॉलो हिम, और वो भी उसके पीछे पीछे आ जाएगी, यानी उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। वन डे सी मस्ट डू इट, और एक ना एक दिन तो उसे भी ऐसा ही करना है, यानी उसकी भी मृत्यु होनी है। आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम। देखो अब क्या कह रही है मिसेज मलिक अपने मन में, कि मैंने सोचा था एक बार कि ये कमरा मेरी सास का होगा। एंड आफ्टर हर, और उसके बाद माइट बी कन्वर्टेड इन टू ए स्टोर, इस कमरे को भंडार गृह में बदल देंगे। दीज वर्ड्स रिकॉर्ड इन मिसेज मलिक्स ईयर, और ये शब्द बार बार श्रीमती मलिक के कानों में गूंज रहे थे। एंड देन सी हर्ड हर डॉटर इन लॉ कमेंट। फिर उसने अपने कमरे में बैठे बैठे अपने पुत्र वधु के नीचे जो खड़ी थी, बाहर जो खड़ी थी, उसके शब्द सुने कुछ, और क्या कहा? द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान्ड। हालांकि ये पूरा घर बहुत ही सुनियोजित तरीके से बना हुआ है। इट लैक्स ओनली ए स्टोर रूम, कि इसमें केवल एक भंडार गृह की कमी है। आई वुड लाइक टू हैव ए बिग इनफ स्टोर, और मुझे पर्याप्त बड़ा स्टोर चाहिए या पसंद करती हूँ, यानी बड़ा होना चाहिए स्टोर रूम घर में। मिसेज मलिक हर्ड इट, और श्रीमती मलिक ने यह सुना। एंड सी फेल्ट, और उसने महसूस किया एज इफ, मानो कि सी वॉज सिंकिंग डीप एंड डीप, मानो कि वो गहरे गहरे गहराइयों में डूब रही है। इन टू ए बॉटमलेस वेल, किसी अथाह कुएं में डूब रही है मानो कि वो। तो उसे बड़ा दुख हुआ ये जानकर कि उसकी पुत्रवधु ने उसे उसी कमरे में भेज दिया जो कमरा उसने अपनी सास के लिए डिसाइड किया था। के एस दुग्गल द्वारा लिखा हुआ ये एक लेसन है, जिसमें हमें ये प्रेरणा मिलती है, ये संदेश मिलता है कि घर में जो बुजुर्ग हो, हमें उन बुजुर्गों की सम्मान करना चाहिए उनको,
और घर के एक घर में सभी सदस्यों के समान उनको भी सम्मान मानना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही अच्छा लेसन हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।